नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आप लोगों के समक्ष पुनः हाजिर हूं आज का राशिफल लेकर के। 6 मार्च 2024 दिन बुधवार। ओम गं गणपतये नमः। जिनका बुध खराब हो जीवन में उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर बुध आपका खराब होता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में परेशानी आती है। बुध के खराब होने से धन व्यापार तथा बुद्धि को लेकर के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में दिक्कत 100% होगी। वहीं पर संतान को लेकर के और वहीं पर अपने जीवन साथी के संबंधों को भी लेकर के प्रॉब्लम्स अवश्य होती है। पहली राशि लेते हैं मेष राशि। स्वामी जिसका मंगल और दशम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक के लिए शुभ संकेत यहां पर मिल रहा है कि आप किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करेंगे और आपको सिविल सर्विसेज में जाने के पूर्ण अवसर प्राप्त हो रहे हैं और या फिर मेडिकल फील्ड से अगर हैं तो आपके लिए आज का दिन काफी उत्तम रहेगा। व्यापारियों के लिए भी परिवर्तन कर सकते हैं। व्यापार दृष्टिकोण से व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। वृद्धि करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई अगर कार्य करने हैं तो आपको आज सोचने की जरूरत नहीं है, प्रारंभ कर दीजिए। रुकावटें जरूर होंगी पर उसका समाधान भी होता रहेगा। छोटा सा उपाय कर लीजिएगा आज आप। बुध के लिए खाली उपाय कीजिएगा। गणपति बप्पा को मोदक, दूर्वा और लाल कलर का फूल उनको अर्पित करके उन घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करेंगे आप, आनंद आ जाएगा। भाग्य साथ देगा आपका 24%। लकी कलर आपके लिए रहेगा नारंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा। भाग्य साथ देगा, भाग्य आपका इतना साथ देगा कि अत्यधिक लाभ होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति पर्सन से बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर सरकारी महकमे में हैं तो किसी भी चीज पेपर पे सिग्नेचर करने से पहले उसको पूरी तरीके से रीड कर लीजिएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई मुकदमा इत्यादि अगर चल रहा होगा तो यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई दे। रुकावटें होंगी, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। संतान की तरफ आपका फोकस रहेगा। बच्चों के लिए आज पढ़ाई कमर कस करके करें। स्मरण शक्ति जो है काफी तेज रहेगी। थोड़ा आप भी अपने बच्चों की तरफ टाइट करेंगे आज तो आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। भाग्य साथ देगा आपका 27%। लकी कलर रहेगा आज आपका नीला। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। पिता के साथ में सहयोग करेंगे आप या पिता से सहयोग प्राप्त होगा। मामा या फिर दादी या अथवा दादा का आशीर्वाद ले काम आपका सिद्ध होगा। मेंटली डिस्टर्ब बिल्कुल मत हो। ये कैरियर को लेकर के थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है आज का, लेकिन वो भी कार्य आज आपका सिद्ध होने की संभावना पूर्ण रूप से दिखती है। वैवाहिक जीवन को लेकर के सबसे ज्यादा परेशानियां जिन लोगों की थी आज उसका कुछ समस्या का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य साथ देगा आपका 25%। तक ही कलर आज आपके लिए रहेगा नीला। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिद मत करिएगा, चिड़चिड़ापन आज आपको हो सकता है, कंट्रोल करिएगा। दैनिक रोजगार में आज आपके उन्नति हो सकती है, कुछ पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, इंक्रीमेंट होने की संभावना पूर्ण रूप से दिख रही है। अगर पद उच्च पद प्राप्त हुआ तो पैसा तो एक अपने आप बढ़ जाएगा। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी आपको ठहरना चाहिए, आज कोई निर्णय मत लीजिएगा। गाड़ी, प्रॉपर्टी अथवा मकान का भी आज कुछ संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, इससे चीजें बेहतर होंगी। लक्की कलर आज आपके लिए रहेगा सफेद और भाग्य साथ देगा आज आपका 27%। सिंह राशि। आज का दिन काफी बेहतर रहेगा। सरकारी महकमे में से है तो आप कोई पेपर पे सिग्नेचर इत्यादि पूरा पढ़ करके ही करिएगा, अन्यथा खराब हो जाएगा। अपने सीनियर पर्सन का सम्मान करें या अपने जूनियर पर्सन का भी आपको थोड़ा सा कहा मानना पड़ेगा। गुस्से में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा आज।
कंट्रोल अपने गुस्से पर, नहीं तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। कुछ कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं पैसा लेने के लिए, सावधान बरतिएगा। थोड़ा छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। गणपति बप्पा को लाल कलर का फूल अर्पित करके वहाँ पे 5 मिनट ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करके अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका लगाने के पश्चात आप घर से बाहर निकलेंगे, आपके काम सब सिद्ध होंगे। भाग्य साथ देगा आपका 25% और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा गुलाबी। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। कुछ खुशियाँ यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रहे हैं। कुछ दुश्मन से आपको सावधान रहना है। कुछ कर्ज लेने से जितना बचें आज उतना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आज हेडेक सबसे ज़्यादा रहेगा, टेंशन में सबसे ज़्यादा आप रहने वाले हैं। पुरानी बीमारी कोई घर ना करे, पुरानी बीमारी कोई उभर करके बाहर ना आए, इसलिए विशेष सावधान अपने खान पान में अवश्य कीजिए। आज का आपका भाग्य साथ देगा 28% लकी कलर आपके लिए रहेगा नीला। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर। गाड़ी प्रॉपर्टी मकान के शुभ संयोग बन रहे हैं। कुछ मांगलिक कार्यों के भी योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपके बच्चों की तरफ से कुछ खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानी हो सकते हैं। काम में आज आपको रुकावट देखने को मिलेगी। भाग्य साथ देगा आपका 36% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा चमकीले रंग का। कोई भी वस्त्र आज आप धारण कीजिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। प्रसन्नचित रहेंगे, अचानक धन लाभ होता हुआ दिखा रहा है। कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है, हर काम आपके लिए मुमकिन है और आप करने का प्रयास भी आज करेंगे। आप मेहनत आज आपको खूब करनी पड़ेगी और इस मेहनत का रिजल्ट आपको आगे चल करके प्राप्त अवश्य होगा। संतान की तरफ पूरा फोकस रहेगा, संतान की भी तरफ से कुछ खुशखबरी मिल सकती है। तो वहीं पे प्रेमिकाओं के लिए भी है कि आपस के संबंध को मधुर बनाने के लिए आज आपको इस उपाय को भी करना जरूरी है। और ये भी हो सकता है कि अगर प्रेमी प्रेमिका हैं तो इसमें डिस्टेंस दूरियाँ सेपरेशन के प्रबल योग आज बनते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा आज आपको करनी चाहिए और शनि भगवान के आपको दर्शन इत्यादि करें। हनुमान अष्टक का पाठ आज आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे कई चीज़ें का लाभ मिलेगा। एक तो प्रेम संबंधों के लिए लाभकारी रहेगा, दूसरा व्यापार नौकरी के लिए भी अच्छा रहेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी जो है कि वृद्धि होगी। भाग्य साथ देगा आज आपका 33% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा पीला। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका पूरा फोकस अपने कैरियर में चेंज या परिवर्तन की तरफ रहेगा। परिवर्तन निश्चित रहेगा और आपके बच्चों की तरफ से कुछ खुशखबरी मिल सकती है। आज धार्मिक यात्राओं का भी योगी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। विदेश जाने वालों का के लिए भी जो कार्य पर कर रहे हैं आज कोई रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट आगे अवश्य मिलेगा। कार्य आप अवश्य कीजिए। भाई से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, कुछ धन प्राप्त हो सकता है। तो वहीं पर पिता का भी सहयोग मिले से, बुआ का आशीर्वाद लेकर के आप अगले किसी भी कार्य के लिए, 2-3 काम के लिए तो बुआ फूफा का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है। जैसे शादी में विलंब हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी में कोई अड़चनें आ रही है, संतान होने में कोई प्रॉब्लम हो रही, कैरियर से सेटल नहीं हो रहा है, तो बुआ और फूफा का आशीर्वाद लें। उनको अपने घर बुला करके कुछ वस्त्र इत्यादि, कुछ रुपया पैसा उनको दान करके आशीर्वाद दें। अगर कपल से हैं तो दोनों मिलकर के दें, अगर सिंगल हैं तो आपको आप कर सकते हैं, इसको अच्छा लाभ मिलेगा। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का आज आपको जाप करना है। भाग्य साथ देगा आज आपका 31% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा केसरिया। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि, कुछ नए कार्य के अवसर प्राप्त होंगे, आपके कुछ कार्य आज बन सकते हैं, लाभ मिलेगा। विवाह के पूर्ण संयोग बन रहे हैं, कोई बातचीत अगर पहले से चल रही हो तो हो सकता है विवाह में आज फाइनल हो जाए। तो वहीं पर गृह निर्माण के लिए या प्रॉपर्टी लेने की जो प्लानिंग कर रहे हैं अभी नहीं होगी, तो इसलिए व्यर्थ का समय मत गंवाएं। अपने फोकस, अपने काम, अपने कैरियर, अपने बिजनेस की तरफ आप देंगे, आपके लिए काफ़ी बेहतर है। नए अवसर, शुभ अवसर आपको अवश्य 100% आप प्राप्त हो सकता है। काम दूसरे के ऊपर मत डिपेंड कीजिए आप कि दूसरों को अपने काम को डाल करके चले जाएं, जिम्मेदारी उसको दे दें, नहीं, आपका कोई भी काम करके देगा नहीं, इसलिए स्वयं आपको करना पड़ेगा। भाग्य साथ देगा आज आपका 21% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा आसमानी।
कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेस्ट टाइम यहाँ पे स्थिति नज़र आ रही है। नए कार्य के सुअवसर भी मिलेंगे आपको। कुछ नया काम आपका आज प्रारंभ हो सकता है। नया बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। गृह निर्माण के प्रबल योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लानिंग आप कर सकते हैं। धन लाभ होगा। शादी में होने वाली रुकावटें वो भी समाप्त होने वाली हैं। लव रिलेशनशिप आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। इसमें थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ेगा लेकिन धन में वृद्धि होगी। आज आपके भाग्य साथ देगा आपका। 35% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा जामुनिया। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कन्फ्यूजन, भ्रमित, डिसीजन लेने में असमर्थ रहेंगे। और डिसीजन आपका गलत हुआ तो समझ लो कि आपको पुनः जीरो से मेहनत करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी फैसला, निर्णय लेने से पहले आपको आज सावधानी बरतनी चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे बट ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए हानिकारक है। पैसे को सेविंग करके चलें। स्वास्थ्य खराब हो सकता है आज। जीवन साथी का कहना माने आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ओम सम शनिश्चराय नमः के साथ साथ इस मंत्र का जाप करें और साथ में ओम हनु हनुमतये नमः का मंत्र का जाप करें। आपके लिए काफ़ी बेहतर आज का दिन निकलेगा। बाकी साथ देगा आपका 25% और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा नारंगी। ये रहा मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी का हाल। अगले दिन की राशि लेकर के पुनः हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए आप। नमस्कार।